नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो में टेंडा का राउटर लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने टेंडा के राउटर को कॉन्फ़िगर यहाँ पे करेंगे। आइए अब जो है इसको यहाँ पे जगह में खोलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे जगह में सील दे रखी है इसकी, तो खोलेंगे। ये देखिए ये जो है, ये देखिए हमने यहाँ पे राउटर को जो है हमें खोल लिया है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे राउटर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जगह में टेंडा कंपनी का राउटर है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका अडेप्टर है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे वायर इसकी जगह में लाइन वायर दे रखा है, इसी के अंदर में यहाँ पे लगाएंगे इसमें अडेप्टर को। अब तो देखिए अडेप्टर को यहाँ पे लगा देंगे इसमें पावर के कनेक्शन वाले में। और ये देखिए यहाँ पे इसका वैन पोर्ट दे रखा है, तो ना जैसे कि नेट की वायर है तो दोस्तों यहीं पे लगेगी ये। तो ये देखिए राउटर को रख दिया है, अब जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए इसको जो है यहाँ पे हमने इसके अंदर में लगा लिया इसमें, और यहाँ पे दे दी इसके अंदर में हमने जगह में पावर इसमें दे दी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नेट की वायर को लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लगा दी नेट की वायर। और ये देखिए यहाँ पे लाइट आ गई, इसकी ब्लिंकिंग हो रही है इसमें। इसको दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है जगह में वैन पोर्ट में लगाना है। और ये दोस्तों जो है दोस्तों ये ना जैसे कि वैसे वायर है हमारी, ये तो वैसे वायर है, तो इस वायर का यूज नहीं है कुछ भी, तो वैसे हमने यहाँ पे लगा दिया इसमें। तो ये देखिए दोस्तों हमने वायर यहाँ ले ली है, और इसको जो है हम लोग अपने यहाँ पे लैपटॉप में लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे लगा लेना पोर्ट में आपको, और ये जो है हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको लगाना है। यहाँ देखिए लैपटॉप में लगा दिया कनेक्शन हमने। ये देखिए यहाँ लगाने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर। की आईपी है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दे रखी है आईपी 192.168.0.1 है आईपी। तो यही हम लोग जो है वहाँ पे सर्च करेंगे। तो आइए चलते। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने इसमें क्रोम को खोलेंगे। देखिए यहाँ पे चालू कर दिया, और जो अब जैसे ना यहाँ पे राउटर की आईपी को लिखेंगे। राउटर की आईपी देखिए लिख दी हमने यहाँ पे, जो थी राउटर मैंने सर्च करा था। लॉगिन करेंगे तो देखिए राउटर यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से आ गया है। और अब हमें चलना है दोस्तों यहाँ पे, इसमें चलना यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। और हमारा राउटर का देखिए पूरी यहाँ पे सेटिंग इसकी आगे में टेंडा की इंटरनेट की सेटिंग करेंगे। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसमें DHCP पे करेंगे इसको कॉन्फ़िगर। जैसे कि IP पे करना है तो आप दोस्तों यहाँ पे ना आप दोस्तों जैसे कि IP यहाँ पे डाल के कर सकते हो। हमें क्या है दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक पे करना है। डायनेमिक पे ये रहता है ना कि जो जैसे ठीक है जगह हमें पीछे से नेट आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेट को उठा लेता है उसकी IP के, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे हम लोग इसमें डायनेमिक आईपी पे, और इस पर कर देंगे यहाँ पे इस पर अच्छे से इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ सेट हो गया। वाईफाई की सेटिंग करेंगे, वायरलेस यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसमें नेम को चेंज करेंगे। नेम हम यहाँ रखेंगे साइन साइन 2010, ये नाम हमने रख दिया इसमें। और साइन 2010। अब दोस्तों देखिए जैसे हमें क्या है कि यहाँ पे अपने आपको जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी अगर जैसे नहीं रखनी है आपको, जैसे कि वाईफाई में सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है, तो दोस्तों यहाँ पे नॉन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जैसे कि देनी है सिक्योरिटी तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, बिल्कुल नीचे पे दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। इसके अंदर में देख पा रहे इसमें WPA है, और यहाँ पर देंगे इसमें आपका जो भी जैसे कि जगह हमें वाईफाई के पासवर्ड को देना है, तो आप अपना यहाँ पे देंगे वाईफाई के पासवर्ड को। तो देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ मैं पासवर्ड दूंगा साइन SAI 2010। ये देखिए ये हमारा पासवर्ड है साइन @ दे दिया हमने इसमें 2010, ये हमने यहाँ पासवर्ड दे दिया। और मल्टी SSD है, वाईफाई सेटिंग ले, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए हमने वाईफाई की सेटिंग कर दी, अच्छे से ये हो गया डिस्कनेक्ट, देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। अब आएंगे यहाँ पे जगह में कंट्रोल पे, तो आपको यहाँ पे
ठीक है ना, जैसे कि लिमिट लगाना कुछ भी लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। वायरलेस आएंगे रिपीटिंग पे, तो वायरलेस देखिए रिपीटिंग का भी नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे रिपीटिंग का भी, मैं आगे आपको जो मैं बता दूंगा रिपीटिंग का, अगर आपको करना है, लेकिन हमें यहाँ पे वायरलेस रिपीटिंग का नहीं करना है। पैरेंटल इसमें ये आ गया कंट्रोल, और यहाँ देखिए एडवांस्ड में, एडवांस्ड में दोस्तों आईपी एड्रेस वगैरह इसमें सेट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर में तो यहाँ पे आपको डालना पासवर्ड, पासवर्ड आपको जो डालना है मैं आपको बता देता हूँ क्या था भैया पासवर्ड दिया था हमने वहाँ पे उसमें नहीं पासवर्ड वैसे क्या दिया था हमने वहाँ पे ठीक है ठीक है। तो देखिए पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया हमने, इसमें देख रहे हैं पासवर्ड डाल दिया हमने इसमें। ऐसे ही दोस्तों आपको भी यहाँ पे डाल लेना पासवर्ड, और अब हमारा नेट आपको दिखाएंगे चला के, और यहाँ पे आपको जो भी जो जैसे कि टाइम जोन है तो टाइम जोन भी कर लेना सेलेक्ट, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसमें अच्छे से जो है दोस्तों इसमें कॉन्फ़िगर इसमें कर लिया है। अब जो हमने जैसे दिया था जो ठीक है ना, जैसे पासवर्ड यहाँ दिया था sai@sai2010, तो देखिए ये लॉगिन हो गया जो दिया था पासवर्ड, और यहाँ से हमें लॉग आउट कर लेना। तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब हम जाएंगे नेट पे, तो नेट देखेंगे चल रहा होगा हमारा, तो देखिए नेट भी चल रहा है। विंडो आर यहाँ पे दबाएंगे और इसके अंदर में करेंगे पिंग, पिंग में नेट को देखेंगे कैसा चल रहा है। तो देखिए नेट यहाँ चल रहा है हमारा, अच्छे से काम कर रहा है नेट। अब मैं आपको साइट खोल के दिखा देता हूँ, www.google.com। तो देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है हमारा नेट बेहतरीन तरीके से। कुछ भी लिखना है जैसे YouTube लिख दिया हमने, तो देखिए बहुत ही स्पीड बहुत अच्छी आती है इसमें दोस्तों, और काफ़ी अच्छा जो है राउटर यहाँ पे देती है कंपनी बना के, तो ये अच्छे से काम कर रहा है काफ़ी, देख पा रहे हैं आप काफ़ी अच्छे से जो है रन यहाँ कर रहा है ये देखिए। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें तरीके से काम कर रहा है ये, तो ऐसे ही दोस्तों ये यहाँ पे काम करता है। और गूगल आपको चलाना है तो गूगल भी चला सकते हैं, ये देखिए गूगल सर्च करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको कुछ रह जाता है तो मैं